हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो है ये सिलेबस का कंटेंट, बट हम लोग इसे पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के अंदर। हम लोग के डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है किसी को, दांत में दिक्कत है, एक एसिड रेन जो एक एनवायरमेंटल पार्ट है, सॉइल की क्वालिटी भी एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है किसान के लिए, साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है वो, और मधुमक्खी या चींटी काटती है, तब एक्चुअली कौन से साइंस का कौन सा रोल प्ले होता है, हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एसिडिटी की। हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो हम लोग के जो स्टमक है, पेट है, उसमें कुछ एसिड्स बनते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए। कभी कभी जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाते हैं तब हमें होता है दर्द, ठीक है, एक इरीटेशन, एक चिड़चिड़ सा भी होता है, जलन होती है वहाँ पर। सो अक्सर क्या होता है, जब भी हमें पेट में दर्द है हम लोग इनो या एंटासाइड कंज्यूम करते हैं। करना क्या होता है कि जो एसिड ज़्यादा बन चुका है उसे हमने न्यूट्रलाइज करना है वहाँ पर। घरगुती नुस्खे भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। अब दांतों की दिक्कत जो है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। अब बच्चों को क्या पसंद है, चॉकलेट, जंक फूड। सो एक्चुअली होता क्या है, प्रॉपर मुंह साफ न करने से काफ़ी बार जो कुछ शुगर या फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो हमारे दांतों की बैंड बजा देते हैं, दांतों के 12 बज जाते हैं। किसी के दांत सड़ जाते हैं तो किसी के दांत काले हो जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती है एसिड की वजह से। अब अगर दांत को चमकदार रखना है बच्चों, तो एक बात याद रखिए कि रेगुलर लेवल पर ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। टूथपेस्ट जो होता है वो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और ये करने से दांतों में जो चमक है वो चमक हमेशा बनी रहती है। अब जो अगला पार्ट है वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जब हम लोग के एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड ये गैसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है और फिर प्रोड्यूस होता है एसिड और बारिश हो जाती है एसिड रेन। अब ये क्या इफेक्ट करते हैं कि एक्वेटिक लाइफ जो है, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उनके लाइफ साइकिल को ये चेंज कर देता है। ताजमहल के बारे में आपने सुना ही होगा, वो पीला हो रहा है किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। और यही जब पानी पेड़ों को मिलता है तो पेड़ों की जो साइकिल है या ग्रोथ है उस पर भी ये अफेक्ट करता है। तो ये भी एक हमारा डे टू डे लाइफ का टॉपिक हो गया। सॉइल क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। हम इंडिया को हम लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल कंट्री है, अच्छी अगर सॉइल रहेगी तो फसल भी अच्छी होगी। सो प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड। अब सॉइल अगर अच्छा है प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, पर काफ़ी बार होता क्या है सॉइल की पीएच वैल्यू बदल जाती है। अब पीएच मतलब वो एसिडिक या बेसिक हो जाएगा। सॉइल अगर अच्छा है तो ग्रोथ भी अच्छी होती है, बट अगर कहीं सॉइल की क्वालिटी में दिक्कत है तो फिर ऑप्शन आता है फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने का। तो फर्टिलाइजर्स को यूज़ अगर हम करते हैं तो ग्रोथ तो बढ़ती है बट सॉइल की क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होते जाती है। फिर बात आती है ह्यूमन बॉडी की। हम लोग की बॉडी जो है वो 7.4 पीएच पे काफ़ी अच्छे से काम करती है। पानी हम लोग जो पीते हैं उसमें से अगर मिनरल्स निकल गए और एसिडिक खाना अगर हम लोग खाते रहे, और मेन तो डाइट का अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, तो बॉडी में दिक्कतें तो आएगी। सो अगर हम लोग अल्कलाइन पानी पीते हैं, थोड़ा सा बेसिक अगर है, तो क्या होगा ना कि हम लोग के स्टमक में जो ज़्यादा एसिड बन रहा होगा उसे हम लोग वहीं पर न्यूट्रलाइज करेंगे तो बच सकते हैं। अगला है, जब मधुमक्खी हमको काटती है तो सूजन सी हो जाती है, वो पार्ट वहाँ पे सूज जाता है। उसके पीछे तो रीज़न ये है कि वो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो पार्ट सूज जाता है। अब वो एसिड है तो हमें कोई बेस यूज़ करना है तो हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे नुस्खे हैं, काली मिट्टी लगाना, ये लगाना, वो लगाना, बट जो साइंटिफिकली है कि बेकिंग सोडा लगाने से वो सूजन कम होती है।